अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीडी फ्री डिश को लेकर ही बात करने वाले हैं। अगर आप भी डीडी फ्री डिश के ही ग्राहक हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ दिनों पहले जो हमारे लिए एक चैनल MPEG2 के स्लॉट से बाहर हो गया था, अब जो है उसको बिल्कुल ही क्लीन चिट मिल गई है कि वो बाहर ही हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसकी जगह पर हमारे बीच अब एक टेस्ट स्लॉट को रिप्लेस कर दिया गया है। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि MPEG2 में बात करें तो न्यूज़ चैनल्स की भरमार लगी हुई है और हमें न्यूज़ चैनल्स की बिल्कुल भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं किस चैनल को लेकर यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पर इंडिया न्यूज़ चैनल को लेकर ही बात हो रही है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ जो चैनल है वो प्रॉपरली डीडी फ्री डिश को जो है वो पेमेंट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो आए दिन हमारे बीच कुछ दिनों तक चलता है और कुछ दिनों के बाद वह बाहर भी हो जाता है। और इस बार जो है प्रसार भारती की ओर से फाइनली उसे बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ का जो नाम है उसे बदलकर टेस्ट 508 में तब्दील कर दिया गया है, जिसे साफ संकेत नज़र आ रहे हैं कि अब जो है इंडिया न्यूज़ को वापस से मौका नहीं मिलने वाला। बाकी अचानक से कुछ भी हो सकता है देखिए, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पॉजिटिवली लेके चलना चाहिए, क्योंकि अब जो है हमें फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में भी आप जान लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर करते हुए इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, साफ तौर पर बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस टेस्ट स्लॉट का फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि MPEG2 में हमारे बीच एक और नया चैनल पार्ट ले सकेगा या हिस्सा बन सकेगा, क्योंकि पहले से ही न्यूज़ चैनल्स बहुत से चल रहे हैं और हमें न्यूज़ चैनल्स की बिल्कुल भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में अगर स्लॉट हमारे बीच खाली हो जाता है तो इससे खुशी की बात ये होगी कि जो दूसरे जनर का चैनल है, चाहे वो भोजपुरी ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी मूवीज़ का क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी धारावाहिक का ही क्यों ना हो या फिर कोई दूसरे जनर का हो, उसे पूरा मौका मिल पाएगा यहाँ पर इस स्लॉट में अपने चैनल को जिताने का। और जैसे कि आपको मैंने बताया ही है कि जी ग्रुप की ओर से जी वजवा चैनल को जल्दी लॉन्च किए जाने की तैयारी की जा रही है, बस वह इंतज़ार कर रहे हैं कि MPEG2 में उन्हें अच्छा खासा स्लॉट मिल सके, और जैसे ही उन्हें यहाँ पर प्रॉपरली MPEG2 का स्लॉट अच्छी तरीके से खाली मिल जाएगा तो वह यहाँ पर अपने चैनल को भी लॉन्च जरूर करेंगे, क्योंकि मराठी मार्केट में देखा जाए तो टक्कर देने के लिए उनको MPEG2 स्लॉट की ही ज़रूरत है, MPEG4 में इतनी अच्छी खासी TRP नहीं मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ पर जो है हमारे बीच कोई नया चैनल जल्दी से पार्टिसिपेट कर ले ताकि ये स्लॉट फुलफिल हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया न्यूज़ कितना अजीब सा चैनल है, क्योंकि जैसे ही हमारे बीच ई ऑक्शन होने वाली होती है उससे पहले ही ये बनी बची गुची थोड़ी बहुत पेमेंट करके स्लॉट को जो है हासिल कर लेता है और बाकी चैनल्स को मौका ही नहीं मिल पाता है। तो इस बार आप क्या चाहते हैं कि इंडिया न्यूज़ जो चैनल है वो वापस ही आना चाहिए या उसे बाहर ही हमेशा के लिए हो जाना चाहिए और इसके जगह पर किसी दूसरे नए चैनल को मौका मिलना चाहिए? आपकी राय बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।